पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही पंचायत में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए भावी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने तर्कस से लुभावने वादे के तीर चलाना शुरू कर दिया है। वहीं सत्ता के सिंहासन तक ले जाने वाली मतदाता भी कुछ खुलकर जवाब नहीं दे रही है। इनके भाषा कुछ और बयान करती है। पंचायत के मतदाताओं से उनसे बात की गई तो मतदाता कई धरे में बढ़ती नजर आई। इस रिपोर्ट में आज चर्चा करेंगे तारजी प्रखंड के बिसत बतिया पंचायत की। इस पंचायत की कुल 10 वार्ड के 5638 मतदाता भावी प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी हम बात कर रहे थे बिसत बतिया पंचायत की। इस पंचायत में वर्ष 2016 में मुखिया पद के कुल 13 प्रत्याशी मैदान में थे। कुल वैध मत मुखिया प्रत्याशी को 3244 पड़े थे। इन प्रत्याशियों में 3 ग्रेजुएट और 3 पोस्ट ग्रेजुएट थे। प्रथम स्थान पर गजेंद्र प्रसाद शाह 601 मत पाकर थे तो दूसरे स्थान पर गुलसीर अहमद 487 मत पाकर थे। वहीं तृतीय स्थान पर अब्दुल हन्नान 377 मत पाकर रहे। सबसे कम मत महेश पोदार को कुल 41 मत पड़े थे। वहीं सबसे अधिक उम्र के प्रत्याशी मोहम्मद जकाउल्ला 68 वर्ष के थे, जबकि सबसे कम उम्र के प्रत्याशी पंकज कुमार और देवेंद्र कुमार यादव 35 वर्ष के थे। समिति सदस्य के चुन 2016 में कुल 5 प्रत्याशी थे। कुल वैध मत समिति सदस्य को 3091 मत पड़े थे। सभी प्रत्याशी साक्षर और प्राथमिकी पास थे। प्रथम स्थान सभा परवीन को 1112 मत, द्वितीय स्थान बुशरा यास्मीन को 679 मत, तृतीय स्थान ममता देवी 676 मत पाकर थे। सबसे कम मत नासरा खातून को 326 मत पड़े थे। सबसे अधिक उम्र के प्रत्याशी शीला देवी 48 वर्ष और सबसे कम उम्र की ममता देवी प्रत्याशी थी। वर्ष 2016 में सरपंच पद के लिए इस पंचायत से कुल 8 प्रत्याशी मैदान में थे। कुल सरपंच के वैध मत 3114 मत डाले गए थे। इन प्रत्याशियों में सभी साक्षर थे। प्रथम स्थान मोहम्मद इदरीस को 782 मत, द्वितीय स्थान शत्रुधन मुखिया को 538 मत, तीसरे स्थान पर मोहम्मद मुश्ताक 525 मत लाकर थे। सबसे अधिक उम्र के सरपंच पद के प्रत्याशी मोहम्मद इदरीस जो कि 81 वर्ष के थे, जबकि सबसे कम उम्र के प्रत्याशी शत्रुधन मुखिया 35 वर्ष के चुनावी मैदान में थे। बीते वर्ष 2016 में चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे, जबकि अब ईवीएम से चुनाव होंगे। आइए अब लेकर चलते हैं ग्राउंड पर, जहां मतदाता अपनी बात किस तरह से रख रहे हैं और जानते हैं क्या होगा आने वाले दिनों में इस पंचायत की हाल। की नाम बेल आके पिछला जो मुखिया चुनाव हुआ था उसमें आपने वोट गिराया था। पिछले चुनाव में आपने जिसको वोट दिया था वो अच्छे काम किया या फिर उसको बदलना चाह रहे हैं? बदलेंगे आप लोग? कहाँ काम किया है? कुछ भी नहीं काम किया है जनता के लिए। तो इस बार क्या रुझान है आप लोगों का कि मतलब पहले वाला ही सही है या फिर नया चेहरा सामने लाइएगा? ऊपर वाला जो जिनको नया ही आएगा। क्या नाम हुआ आपका? दत्त कुमार साहब। अच्छा, क्यों नया चेहरा लाना चाह रहे हैं? जो मुखिया ना सर, हाँ? काम नहीं कर रहा है कोई काम। हाँ, अच्छा, कोई काम नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया जी। नल जल का काम वगैरह सब हुआ है? नहीं नहीं, हम लोग जो मैन मैन काम था वो तो करवे नहीं किया। बताइए, वैसे पड़ा हुआ, उसको बोले थे भराउट करके उसको बाउंड्री करवाइए, कुछ नहीं कहते। हम एक नहीं करते, मुखिया बने हैं तो कुछ काम करके दिखलाइए जनता को। सीमित मुखिया बने हर ओखरी पोखर मछली और नाला लिए हम ही मटेरियल गिरा रहे आलम टेलर दीपू। जनता को आप क्या देखे पांच वर्ष में? क्या कुछ भी नहीं जनता को दिखाए, कुछ भी नहीं। कोई हाल रोजगार कुछ भी नहीं देखा है। जनता भूखे मर रहा है, पेट आप क्या करिएगा? पंचायत चुनाव आ गया है, बहुत सारे लोग अपने आप को दावेदार घोषित कर रहे हैं। आप लोग अनुभवी हैं, आप लोग कई चुनाव में मतदान किए होंगे,
क्या इस बार जो चुनाव हो रहा मुद्दा क्या रखेंगे, कैसे प्रत्याशी चाहेंगे, कैसे मुद्दा, क्या मुद्दा है आप लोगों का इस बार चुनाव में? मुद्दा तो मतलब अभी तो मतलब वो जो पुरना वाला जो मतलब था जो तो वो मुद्दा सरकार ने रोड बनाने सड़क बनाने किछ ने बना नाला बना न पानी टंकियों वाला चला तो साला सबका नुकसान कर दिया विकास हुआ नहीं। लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं ड्रीम प्रोजेक्ट सरकार की है जो पंचायत में क्या वो सब नहीं आया क्या? सरकार की जो सात निश्चय योजना थी नल जल योजना गली नली योजना ये सब काम नहीं हुआ है क्या? काम तो हुआ लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस खाली पैसा हुआ है, पैसा खत्म हो गया गवर्नमेंट का लेकिन सक्सेस नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने क्या इरादा किया इस बार चुनाव में, किस तरह से मतदान करेंगे, कैसे प्रत्याशी को चुनाव करेंगे आप लोग? यही चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे आदमी को बनाएं। जी जी। और विकास हम लोग चाहते हैं कि दिखाएं, वो उस आदमी को बनाना चाहते हैं। पिछले जो जो चुनाव जीत चुके हैं प्रतिनिधि, उस प्रतिनिधि को चेहरा फिर से लाना चाहेंगे या फिर उसको बदल करके दूसरा नया चेहरा लाना चाहेंगे? पांच साल बिता लिए और हमारे पंचायत में कोई काम नहीं हुआ, विशद पंचायत में कोई काम नहीं हुआ। सेवा का मुखिया है यहाँ का हिटलर, वार्ड नंबर का चलने नहीं देता है, जो काट करता है बाधा करता है, नॉलेज है गलिये कुची है चलने नहीं देता है। वो कहाँ सब बनेगा? मुखिया उधर झिकता है, सेवक इधर झिकता है, सेवक किसी को चलने ही नहीं देता, सब सब अपना अपना विवाद मेंबर है। पिछले पंचायत चुनाव में भी आप लोगों ने मुखिया सरपंच समिति लोगों को वोट दिया होगा, इस बार भी चुनाव आ गए हैं, आप लोगों ने क्या मुद्दा बनाया इस बार पंचायत के लिए कि कैसे प्रत्याशी चुनेंगे? क्या पिछला चुनाव जो प्रत्याशी जीते हुए हैं फिर उसी को लाएंगे मैदान में, फिर उसी को चुनेंगे या फिर नया चेहरा मैदान को लाएंगे? नया चेहरा में लाएंगे, उसको काहे नहीं, वो कुछ नहीं किया तो उसको चुनेंगे कौन? लेकिन दावे तो बहुत हो रहे हैं कि बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं। एक बार भूल के नहीं आता है, कुछ विकास नहीं किया। लेकिन सरकार की योजना नल जल योजना है, गली गली योजना है, आवास योजना है, ये सारी योजनाएं आप लोगों को नहीं मिली है क्या? मिली है, वो योजना तो मिली है, नल मिली है, पानी मिलवे नहीं करता है, नल देखिए क्या बहुत नल बना। आप तो बहुत अनुभवी है, आपने बहुत सारे पंचायत चुनाव वगैरह देखे होंगे, आपका क्या इरादा है, आपने क्या देखा, क्या होना चाहिए, क्या बात है ना सर? कुछ नहीं मुखिया किया है, नहीं किया, इसमें क्या करेगा सर? आप तो वोट गिराते हैं कि नहीं गिराते हैं? इससे पहले पंचायत चुनाव में वोट गिराया था, क्या इस बार परिवर्तन की करेंगे या फिर वैसे ही रहेगा जैसे जिसको आपने वोट दिया था वही उसी को वोट देंगे? किसी को वोट कभी नहीं देंगे, आप उसको नहीं देंगे, अच्छा जो आगे विकास का लाएगा उसको देंगे। आप क्या, आपको क्या लगता है पंचायत में विकास की काम हुई है या फिर नया चेहरा या पुराने चेहरे को ही लाएंगे? विकास के काम है, नल जल बना हुआ है, पानी नहीं हम लोग को मिल रहा है। अच्छा, एक नल जल दिया है वो मेरा घर में, पानी बनेगा नल सूखा है, नल जल बंदे है वो भी नहीं। आप बताइए आपका क्या उद्देश्य रहेगा इस चुनाव में? वही उद्देश्य है, नया मुखिया लेंगे हम लोग, वो मुखिया काम नहीं करता है, कोई काम नहीं है। एक बार और बाकी मुखिया हो गया, पंचायत समिति और सरपंच के बारे में बताइए, तीनों के बारे में बताइए, तीनों क्या क्या क्या? सरपंच तो सही है, अच्छा सरपंच अच्छा है, वो लोग आता है हम लोग को पूछता है क्या हाल है ठीक है, डेली आता सरपंच सही है। और बाकी सब मतलब सब कोई नहीं है काम का, मुखिया कोई काम का नहीं। तो फिर इस बार आप लोगों ने क्या तय किया है कि मतलब चुनाव के समय चुनाव करेंगे, मतदान करिएगा और मतलब जो है अच्छा मुखिया चुनेंगे, जो काम करेगा उसी को चुनेगा। जी, सब जाता है जितने प्रशासन स्कूल है, मिडिल स्कूल है, अच्छा इतना इतना गर्ता है, इतना पानी या गड्ढा है, जैसे जाते हैं थोड़ा बच्चा नहीं जाता है पढ़ने के लिए। तो ये सड़क आप लोग की मांग थी कि सड़क बननी चाहिए थी, लेकिन सड़क नहीं बन पाई, आगे जाके देखिए आगे इतना गड्ढा है, बच्चा सब कैसे स्कूल जा रहा है, कुछ हेल के जा रहा है, पानी में हेल के जा रहा है। चुनाव
आबि गेल छे मुखिया तुखिया वाला, अहाँ तो पिछलो बार वोट गिरेने होबे, एवरीदा की मन में अच्छ जे फेर भय रहते या बदलल जते या फिर अहाँ अपन मन में ठानने छे काज नहीं केने छे त का दोसर चुनबे की इरादा अच्छ बदलल जते भी क्या मदद से आपको क्या सरकार की योजनाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है आप लोगों ने क्या मन बनाया है क्या फोकस क्या रखा है कि चुनाव में कैसे चुनाव करेंगे मतदान करेंगे कैसे प्रत्याशी पिछले प्रत्याशी को ही फिर मौका दिया जाएगा नहीं या फिर नए प्रत्याशी को लाया जाएगा पिछला रहे या चाहे नया रहे जो काम करेगा उन्हीं को तो सरकार की जो योजनाएं थी वो योजनाएं क्या आपके धरातल पर नहीं उतरी है उतारा गया उसे नहीं कुछ उतरा है कुछ नहीं उतरा है तो उस काम हुआ कुछ काम हुआ है कुछ नहीं हुआ फिर भी आप लोगों ने एक मन बनाया है कि क्या इरादा कर रहे हैं इस बार के परिवर्तन या फिर पुराना चेहरा कोई मौका दिया सर्विस पद के लिए मुखिया जी हो गए सरपंच साहब हो गए समिति वगैरह जितना भी पद है हम लोग देखिए चाहे जो भी हो चाहे विधायक भी क्यों हो लेकिन विधायक भी नहीं हम लोग को काम कर रहा है एकदम बिल्कुल नहीं आप लोगों की मांग क्या थी जो काम नहीं किया जा रहा है कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ जो आता है तो बस अकेला आता है अकेला जैसे बस एक आदमी से मिल करके वो अपना जैसे रास्ता नापता है लेकिन दूसरा एक इतना बड़ा बच्चा नहीं रहता है आप बुलाइए ना हम मुंह पर कहेंगे आपका व्यवसाय क्या आदमी जैसे आपका व्यवसाय क्या है आपका व्यवसाय क्या करते हैं हम तो कुम्हार तो आप लोगों के लिए स्किल मतलब कौशल वगैरह का काम वगैरह सब जो कुछ नहीं कुछ नहीं आपका क्या नाम हुआ पैसा नहीं वोट तो गिराते होंगे तो पिछले बार भी गिराया होगा आपने बीते 5 सालों में आपने क्या परिवर्तन देखा और अब क्या इरादा किया है आप लोगों ने परिवर्तन कुछ नहीं देखे हम अच्छा कुछ नहीं देख पाए किसान हो कोई भी कार्यकर्ता है कोई किसान को कोई यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है कोई चीज का किसी को देता है किसी को नहीं दे रहा है अभी तो सब है। ना आप प्रकार है आप चलिए हमारे साथ चलिए यहाँ जा करके देखिए हम लोग को जैसे हमारे पूरा विसर का आदमी का क्या दशा हो रहा है किसान में सबको बर्बादी बना करके एक नाला है जो की 25 गाँव का पानी इधर होकर के पास होता है वहाँ उसमें ड्रेम बना करके अभी तो पानी यहाँ चल जा करके देखिए ना जो अभी तक उसको भी बाहर का पानी घोषणा भी कुछ नहीं किया कोई लेकिन कोई आप बात हम तो 30 साल में जो हमारा गांव था पहले 30 साल पहले वही 30 साल बाद भी अभी उसी तरह है हमने कोई परिवर्तन नहीं देखा अनभी हुआ है लेकिन सरकार की योजनाएं हैं बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं क्या वो धरातल पे उतारने में भी क्या नहीं उतरा है क्या उसको धरातल पर उतरता है जो बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो उसका जो योजना आता है जैसे फसल क्षति वाला वो सबको दिया जाता है सबके को आता है लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार इतना है अगर किसी को 16,000 रुपया आता है किसी को 10,000 रुपया आता है उसको 50% सलाहकार ले लेता है उसका गुंडागर्दी इतना है कि उसका जो एजेंट सब बना हुआ है 2-4 50% उसको पहले मन में कहा जाता है कि आपको पैसा जब आएगा जब आप 50% मेरे को देंगे वो पोस्ट ऑफिस पे हो या बैंक पे हो जाता है पैसे लेने के लिए छुड़ाने के लिए 50% वही ले जाता है 10,000 आता है 5,000 वो ले लेता है 5,000 इसको मिलता है ये भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है यहाँ पे आदमी नहीं देता है हमारे गांव से यहाँ देखिए ये नहर खोदा गया है मैंने पूरा पंडोल यहाँ मतलब पानी आता है उसमें आज 2 साल से इतना क्षति हो रहा है किसान को धान बिल्कुल नहीं होता है डैम्प बना दिया है जगह जगह सामने में देखिए ना वो काट में जो है बड़ा वाला वो धान है किन्हेरी में और पूरा चौड़ी बिल्कुल खाली है घास पड़ा हुआ है घास है बिल्कुल आ इधर चलिए वो घास भी नहीं मिलेगा इधर पानी पानी है 200 बीघा हम लोग का पूरा बर्बाद हो चुका है इस साल 2 साल से आज 2 साल लोग का धान चलिए ना पंचायत चुनाव आ गया है आप लोग 5 साल को देखा है आप लोगों ने इस अब जो चुनाव होंगे उसमें क्या परिवर्तन की बनाना करना चाहेंगे या फिर पुराने चेहरे को ही मौका देंगे नहीं नया चेहरा आगे देंगे आखिर कुछ तो कारण होगा ना पुराने चेहरा को बदलने का क्या कारण है जो आप लोग पुराने चेहरे यहाँ पर पुराना चेहरा वाला बहुत खाया जो है गमने करता है खाने
आप क्या, अब तो ज्यादा महिला बढ़ चढ़ करके वोट देती हैं और भाग लेती हैं मतदान करने में, आपका क्या इरादा है, आपने क्या सोचा है इस बार? देखो चाहे थे कि पुरनका मुखिया सर अपनी भाषा में नहीं कहे के जी के पुरना मुखिया चले अहाँ सब ओकरो पांच साल देख लिए, अब जो वोट होते तो की विचार छे के कैंडिडेट पुरना चेहरा सब रहते या फिर नयका चेहरा अहाँ सब चुनाव? लाभ के पर रहबे पुरना के छोड़ देबे। पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, आप लोगों ने मन में सोचा होगा चुनाव कर मतदान करने का, और मतदान के लिए कुछ निर्णय लिया है कि क्या पिछले प्रत्याशी ही के कार्यकाल से संतुष्ट हैं या फिर परिवर्तन करना चाह रहे हैं? पिछले काल जो है जो मुखिया था हाँ। वो कोई काम नहीं किया है, वो अपना जो भी काम हुआ है अपने हिसाब से किया है, लेकिन पब्लिक का कुछ काम नहीं किया है। अभी जो इलेक्शन होने वाला है इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि इसमें जो अल्लाह को जो अच्छा बंदा पसंद हो उसको मुखिया करे। आपने क्या सोचा है वोट करेंगे कैसे, मतलब प्रत्याशी को पुराने वाले या नए वाले बदलेंगे, क्या सोचा है आप लोगों ने कार्य का? कुछ नहीं सोचा, वक्त आएगा तो सोचा जाएगा। पांच साल पहले आप लोगों ने पंचायत चुनाव में मतदान किया था, इस बार फिर मतदान होने जा रहे हैं, आप लोगों ने पहले भी चुना प्रत्याशियों को, इस बार भी चुनेंगे, हम पांच साल के बाद आप लोगों ने पंचायत में परिवर्तन देखा या नहीं देखा, या फिर पंचायत के जो प्रतिनिधि थे उनके कार्यकाल से आप खुश हैं या ना खुश हैं, ये बताइए। उनके कार्यकाल से खुश हैं पंचायत? कोई खुश नहीं है। पंचायत के जो पूर्व में प्रतिनिधि थे उनके कार्यकाल से आप लोग कितने खुश हैं? क्या उन लोगों ने योजना को जमीन पर नहीं उतारा? नहीं उतारा, कुछ भी नहीं उतारा, कुछ नहीं उतारा। तो आप लोग पुराने चेहरा को सामने लाना चाहेंगे या फिर नए चेहरे में नए चेहरा को सामने लाने चाहिए? नया चेहरा लाना है, नया चेहरा को लाएंगे। आखिर वजह क्या है जो पुराने चेहरों को आप लोग बदल रहे हैं? जिस हिसाब से हम लोग चुनते हैं उस हिसाब से विकास नहीं होता गांव में। कैसी विकास चाहिए? प्रतिनिधि तो कह रहे हैं कि हमने जो भी सरकार की योजना थी उसको हमने जमीन पर लाया है, निजी किसी लोगों को नहीं देखा है, जो जनहित की काम थी उसको मैंने काम किया है। आखिर क्या है निजी है या जनहित की काम हुई या नहीं हुई? सर आप हमारे साथ चलिएगा, यहाँ 10 तक वार्ड है, 10 वार्ड का ये विशकपतिया पंचायत है, एक में भी नल का जैसे काम हुआ, एक भी काम अभी तक कहीं भी पानी नहीं आ रहा सर, कोई काम विकास का नहीं हुआ, पूछ सकते हैं। नल लग गया, पानी नहीं आ रहा। लेकिन अब ये बताइए कि जो सरकार की योजना है 7 निश्चय योजना में नल जल है और गली योजना है, उसके बाद आवास योजना है, पेंशन योजना, सब ये सब योजना तो जमीन पर उतारा गया, लोगों को लाभ मिला इस बार? कहाँ मिला? कुछ नहीं, कोई योजना नहीं मिला, जमीन गली नली तो आज तक बनाई नहीं, एक भी गली नहीं बना, एक भी नली। बाथरूम जो बना उसमें भी 2000 रुपया कमीशन जो दिया उसको बाथरूम मिला, नहीं तो नहीं मिला। आप बताएंगे कुछ कि ये जो मतलब पहले के तुलना में इसका मतलब करप्शन ज्यादा बढ़ गई है आप लोगों के? तो इसी का आक्रोश है कि आप लोग जो है नया चेहरा लाना चाहते हैं, उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप जो नया चेहरा लाने जा रहे हैं या जिसके समर्थन करने जा रहे हैं, उससे भी तो आप एक अपेक्षा रखते हुएगा कि हमारी गांव के लिए अच्छा काम करेंगे, ये भी युवा लड़का रहेगा, कोई भी युवा को चुनेंगे हम लोग और वो काम अच्छा करेंगे, ये भी तो आपके ही गांव के हैं, आपके ही पंचायत के। हम लोग अच्छा ही समझ के चुना गया था लेकिन वो बाद में भ्रष्ट नेता बन गए, तो क्या कर सकते हैं बताइए, किया जाएगा फिर नए चेहरे पे भरोसा करेंगे, नया चेहरा हमारे साथ क्या? इस बार तो कुछ 5 साल तक बेकार किया बिल्कुल। अच्छा अच्छा, गली नहीं बना, नल जल भी लाया, कहीं कहीं पानी नहीं है, पूरे रास्ते पे सर पानी लगा हुआ, कहीं नाला भी नहीं बना, ना साला गली तक कंप्लीट किया गया, आवासीय पे 200 रुपया लिया गया, यहाँ तक के बाथरूम का पैसा में पैसा लिया गया, कमीशन 2000 रुपया, इंदिरा आवास में पैसा लिया गया, जो भी उसका दिया हुआ पास नहीं किया गया फिर भी पैसा लेके वो दिया लिया, तो यानी कि आप लोगों ने आया हुआ था तब भी नहीं दिया, देखिए नाम आने वाले को नहीं दिया, 20,000 रुपया भी मांगा हम, बोले से देंगे, आएगा उधर से पैसा, खुद भी कमीशन खा रहा है, पहले 20,000 रुपया मांगा उसके बाद जो तब देंगे, इंदिरा आवास नहीं देंगे। यानी के सब आप लोग तो मन बना लिया है इस बार के चुनाव जो होंगे,
लेकिन मतदान कीजिएगा, मतदान होगा, मतदान कीजिएगा। आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। एक बात बताइए कि पिछले 5 सालों में आपने शिक्षण संस्थानों में बदलाव देखा पंचायत के स्तर में? नहीं, कुछ बदलाव नहीं। तो इस बार जो चुनाव होंगे उस चुनाव में क्या मुद्दा लेकर के आप आएंगे? आप वोटर हैं, फोकस होना है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्लस आपको या नाला नहीं बना हुआ ये सब भी देखना पड़ेगा। तो आने वाले दिन में चुनाव को लेकर के ये बात तय है कि लोग पूर्व जो प्रतिनिधि है उनसे आक्रोशित हैं और उनको बदलना चाह रहे हैं। बदलाव जरूरी है। चुनाव आब गेल छे, चुनाव मुखिया के चुनाव होय वाला छे, चुनाव मुखिया वाला भर होय वाला छे। तो अहां सब जे छे पिछला कार्यकाल में मुखिया चुनने छलिए समिति काज तो भेल छले ना, तो अहां सब अभी की मन बनाने छे फिर पुरने रहते के फिर अहां सब बदलबे ओकरा आर के की काज ताज भेल कि नहीं भेल? हम की बदलबे, हमे आदमी पुत्र भ गेलो एते तो बच्चा छै जे हमर बेटा मरि गेल से हमरा लता दुनिया में कोई न ताके छै, हम केकरा ताकबे? आय हमर बेटा मरि गेल से हम का नै छी। पेंशन तेंशन अहां के मिलैये? हां मिलैये, 400 रुपया दै छै। अच्छा अच्छा, काज भेल छले ना। अच्छा तो अभी अहाँ सबके कोनो शिकायतो है जे मतलब जे पहले मुखिया या सरपंच समिति काज करलक कि नहीं करलक? इस सब कोनो काम नहीं के कर जा काम अखन या काम नहीं छी। काज तक कहे छे के बहुत काज भेल छे, आवास योजना दिल के घर दिल के पानी तक। अच्छा किछ नहीं दिलो? काम अहाँ सबके की सब है? आप लोग बताइएगा कि जो चुनाव आ रहा है पंचायत चुनाव, इस चुनाव के लिए आप लोग क्या रणनीति बनाए हैं कि जो काम किया उसको वोट दीजिएगा या जो काम नहीं किया उसको बदल दीजिएगा? सर अखन तो समाज में जे छे से मुखिया जे कोई आवे छे से तो कहे छे ई नहीं करब ई नहीं करब, आ भेला के बाद में तो जना जे होय छे से तो हम सब गरीब आदमी कोदारि कुटकी चलावे वाला छी, हमरा सब ओते मतलब नहीं रह जाइए। हम सब अपन जे छे मजदूरी केलहुँ, कोदारि कुटकी चलेलहुँ, 10 कट्ठा बरबटैया जे छे रैयाती खेत केलहुँ, हमरा ओहिसँ निमार्जन भेल, ओहिसँ आगू हम एकर। आपको शौचालय बनाया 3 साल हो गया, यहाँ कोई नहीं सुनने वाला है, 5 बार फार्म भर के दिया सब बेकार गया हमारा पैसा, समझ गए ना? कोई बैंक ब्लॉक पूरा चोर है, कोई नहीं काम कर जनता का, उसको पहले दीजिए तब उसे देगा कि नहीं देगा वो भी कोई गारंटी नहीं है। की नाम बोला? हम अरविंद साहब। आप क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे मीडिया के? हम तो वही बोले जो मतलब नाम तो बोलता है जो मैंने हमको जिता दीजिए, हम आगे कुछ भी करेंगे, आप लोगों को सब कुछ करेंगे, लेकिन करते हैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया है। क्या किया हम लोगों को? मतलब 1 रुपया कुछ नहीं, कौन किसका? अभी गाँव पूरी गंदगी गंदगी है, लेकिन शौचालय नहीं है किसी को, न पैसा दे रहे बनाने के पैसे, पूरा गाँव चारों तरफ जाइए सब पूरा गंदगी गंदगी रहता है। वहाँ बोर्ड लिख के बिहार में पेंशन नहीं दी आवास मिलल? हाँ आवास आवास तो मिले हैं सर, आवास हमरो मिले हैं। अच्छा तो आवास तवास में भी पाई ताई ले लेके हुई? अखन अखन नहीं हमरा की होला। अच्छा अच्छा, तो अहाँ के की मांग छले जे नहीं भेल? मांग छे हमरा सब पेंशन नहीं दे। अच्छा अच्छा, ई सब नहीं दै? पेंशन नहीं, सरकार योजना में आवास सीता आयल हन, इंदिरा आवास आयल हन, और कोई कोई काम नहीं आयल। शौचालय तो चले के पाए कुछ का पैसा नहीं आयल हन, न कुछ का। ठीक छे, चुनाव आब गेल छे पंचायत के, तो अहाँ सबके पंचायतक विकास काज भेल कि नहीं भेल, की समस्या है से बताओ। ये पंचायत में जे काम धाम होय छे से तो ठीके भ रहले हन। अच्छा, जे प्रतिनिधि छला मुखिया छला सरपंच समिति जे छला ओकरा कार्यकाल तो अहाँ सब खुश छिये? जी जी खुश छिये, तब ने चले छे दुनिया। अच्छा तो एक चीज बताऊ कि कोनो समस्या रहियो गेले जे काज होबाक छले से नहीं भेले? थोड़ा बहुत तो रहिए जाय छे, पूरे काम तो नहिए होय छे। अच्छा ई बताऊ कि
अच्छा ई बताओ अहाँ सब कि ई जे पंचायत के अखनी मुखिया सरपंच समिति सब छले एकरा कार्यकाल से खुश छिए त एकरा फिर मौका देबे कि फिर दोसर चेहरा लेबे? देखियो एना त सब हर पांच साल के लोग त हम सब बुझे छिए जे बदलबे मुखिया दोसर बदलबे ई पंचायत में पांच साल रहे छे मुखिया जे बना लेलके से बना लेल के फेर बदल देवे जे ईश्वर फेर तीन फोटो घीन फेर जे हिसाब से काम हो के चाहिए वही हिसाब से काम नहीं हुई बुझलिए सब रंग के बात सब जगह से यहाँ के मिल सुनी सरकार के जे योजना सब छे सरकारी योजना सब जे छे जैसे आवास योजना पेंशन योजना नल जल योजना गली नली योजना इस सब काज भेल छले ना? हाँ भेले हैं। अच्छा अच्छा ई सब तऽ संतुष्ट छी अहाँ सब? हाँ ई सब जे भेलै ताहिमे संतुष्ट। अच्छा अहाँके कोनो समस्या अछि जे नहि भेल राशन कार्ड? जेना दू गो राशन कार्ड नहि बनलै बुझलियै ने जेना इंदिरा आवास नहि कहियो मिललै हन दस नंबर में बंद है दस नंबर में बंद है जाए दस नंबर में बंद है जाइए से घर ले बंद कैसे चार्जे खत्म हाँ चार्जे दिस करिया कहते दिस चार्ज दे हाँ हम सब को तो अथी वो ध्यान देने से उठिए सर हाँ सब का कोनो समस्या कोनो काज रुकल है से बताओ आओ बताइयो की इमर देखियो इमर इमर की कौन चीज नहीं है सरकार अहाँ के जे अरे अखनी जे मुखिया सरपंच समिति जे छे ओकरा कार्यकाल तो अहाँ सब खुश छिए उ काज केने छले ना? अच्छा अच्छा तो फिर अभी काज भेल छे तो फिर पुरने का रखब कि नया बदलब? अच्छा जे काज नहीं करे छे ओकरा बदल देबे? मुखिया जी आप इस बिसत बतिया पंचायत के मुखिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लोग आरोप लगाते हैं भाई बहुत सारे लोग काम नहीं हुआ, तो आप फिर कैसे लोगों को बताएंगे कि कैसे क्या पर आरोप लगाया जा रहा है, क्या सही है क्या? जी नहीं, मैंने तो सरकार का जो भी योजना था उसको धरातल पर उतारे हैं, जो 70 साल में नहीं हुआ उसको हमने एक साल में करके दिखाए हैं। हाँ निजी काम नहीं किए हैं लेकिन जनहित का काम जो है जो समाज का काम है वो तो सब किए हैं। तो फिर इस बार चुनाव में आ रहे थे क्या मुद्दा लेकर के आइए? बस यही विकास का मुद्दा होगा जी, विकास का।